तो इस एनिमे की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक लड़का पतली सी रस्सी पर चल रहा होता है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये बंदा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं और ये बोलते हैं हमें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये बंदा दोबारा से लड़ाई कर रहा है, ये तो एक मुसीबत है। और ये सुनने के बाद उस बंदे का बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, जिसके बाद वो बंदे ये कहते हैं कि ये बंदा कितना अजीब है, इसे तो किसी से बात करना भी नहीं आता और हम इसके पास जाना पसंद नहीं करते और कोई भी पसंद नहीं करेगा। जरा देखो इसे, ये बंदा कितना अजीब है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा एक कर्स है, एक जीता जागता कर्स। और ये सुनने के बाद उस बंदे का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। पर तभी अचानक हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और उसे ये पता लगता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था, जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि एक मार्केट के अंदर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा ये बोलता है, ओहो कैसी हो सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी, कुछ करना चाहोगी। जिस पर वो लड़की ये बोलती है, अबे ओ घोचू, मेरा तो मन कर रहा है कि ये पूरी की पूरी अंडे की क्रेट तेरे सर पर देकर मारूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये इससे खराब हो जाएगी और इसमें मेरा ही नुकसान है। जिस पर वो बंदा ये बोलता है कि मुझे गुस्से वाली लड़कियाँ काफी पसंद है, लेकिन अगर तुम ऐसी एटीट्यूड दिखाओगी तो आगे जाकर तुम्हें दिक्कत होने वाली है। जिसके बाद ये बंदा उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है साकुरा, वो ये बोलता है कि मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि कमजोर होते हैं लेकिन अपने आप को काफी स्ट्रांग समझते हैं। जिसके बाद साकुरा उस बंदे को बुलाता है और ये बोलता है, तुम्हारे पास कुछ और काम धंधा नहीं है क्या, तुम सुबह सुबह इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बंदा ये बोलता है, अबे ओए घोचू तू चुप रह। और ये बोलने के बाद वो साकुरा के एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन साकुरा उसे बच जाता है, जिसके बाद ये उन सभी गुंडों को काफी बुरे तरीके से मारता है और उन्हें धूल चटा देता है। जिसके बाद साकुरा उसी बंदे के पास जाता है और उससे ये बोलता है, क्या हुआ घोचू, बस निकल गई तुम्हारी सारी हेकड़ी और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पैंट में कर ली है। और एक बात ध्यान रखना, मेरा नाम और मेरा चेहरा अपने दिमाग में बसा लो और सारे कमजोर लोगों से बोलना कि मुझसे दूर रहें। और मेरा नाम है साकुरा और मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें क्या करना है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। और ये बोलने के बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो लड़की उसके पास आती है और उसको थैंक यू बोलती है, जिस पर साकुरा को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो शर्माने लगता है, अबे यार अब क्या ये मुझे किस करने वाली है। जिसके बाद साकुरा उससे बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, उन लड़कों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था इसलिए मैंने उन्हें धूल चटा दी। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो लड़की साकुरा को लेकर अपने होटल में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे खाने के लिए एक डिश देती है और ये बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम बाहर से हो क्योंकि मैंने पहले कभी तुम्हें इस टाउन के अंदर नहीं देखा और यहाँ पर काफी रेयर लोग ही आते हैं। और इसके बाद ये लड़की साकुरा को बताती है कि ये गैंग यहाँ पर काफी दिक्कतें खड़ी कर रही है, जिसके कारण पब्लिक सेफ्टी काफी कम हो चुकी है। और इसके बाद ये लड़की अपना नाम बताती है, जिसको सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर ये सोचता है, अभी यार ये लड़की मुझसे इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है, मैंने अभी अभी 5 बंदों को टपकाया है और अगर कोई मुझे ऐसा करते देख लेता तो वो मुझसे डरता ना कि फ्रेंडली बिहेव करता, पर ये लड़की ये तो काफी अजीब है। और इसके बाद टाचिबाना साकुरा से ये कहती है कि तुम तो दिखने में काफी अजीब लगती हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखें ये सारे अलग अलग कलर के हैं, क्या तुमने कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए हैं या तुम पेंट करवा कर घूम रहे हो, तुम्हारी आंखें तो एकदम गोटियों की तरह हैं, क्या मार्केट में आजकल ऐसी भी आंखें आने लगी हैं। और ये सुनने के बाद साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो ये बोलता है कि तुम नहीं जानती लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ का रिजल्ट भले ही 0 आता हो लेकिन फाइटर यहाँ पर एक नंबर मिलते हैं जो कि बार बार लड़ते रहते हैं ताकि टॉप पर बने रहें और मैं भी टॉप पर बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर छुट्टियों में भी काफी लड़ाइयाँ होती हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं यहाँ का टॉप का गुंडा बन सकूँ, बोले तो माफिया बिड़ू। और ये सारी बातें सुनने के बाद टाचिबाना ये बोलती है कि तुम्हारी उम्मीदें तो कुछ ज्यादा ही है क्योंकि स्कूल कल शुरू होने वाला है और तुमने ड्रेस आज ही पहन रखी है। जिस पर वो ये बोलता है, अभी यार मेरे पास बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं, मैं बाकी कपड़े कहाँ से पहनूं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी टाचिबाना को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और ये बोलती है, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई यामा, ध्यान से घर जाना। जिसके बाद साकुरा ये बोलता है, अभी ओए अंकल तुम अपना बैग यहाँ पर भूल चुके हो। जिसके बाद वो बंदा साकुरा को थैंक्स बोलता है और वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि टाचिबाना साकुरा को कुछ टॉफीज देती है जो कि उसी बुढ़े आदमी ने साकुरा को देने के लिए कहा था। और इतना सारा प्यार साकुरा को हजम नहीं होता और वो ये बोलता है, तुम सारे लोग मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो और बहुत से लोग तो मुझे ऐसा देखकर मुझसे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं काफी अजीब दिखता हूँ और ये यूनिफॉर्म ये तो बिल्कुल गुंडों वाले स्कूल की है। और इसके बाद टाचिबाना उससे ही कहती है, तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन तुम यहाँ पर टॉप के गुंडे नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। जिस पर साकुरा ये कहता है, शायद तुम नहीं जानती कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़े। जिस पर टाचिबाना ये बोलती है, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ और मेरी सलाह है कि तुम जाकर पहले फ्यूरिन के कुछ बंदों से मिलो ताकि तुम्हें समझ आए कि मेरे कहने का मतलब क्या है।
और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो बंदा जिसे साकुरा ने मारा होता है वो अपने गुंडों को लेकर दोबारा से वहाँ पर पहुँच जाता है और सारी जगह पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि साकुरा उनके पास चला जाता है, जिसको देखकर वो बंदा ये बोलता है, अबे ओए छोटू तुम तो खुद ही मेरे पास आ गए। लेकिन साकुरा उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद वो बंदा ये बोलता है, ओए बच्चे डर गए क्या, तुम्हें तो कहा था मैं तुम्हारा नाम और चेहरा ना भूलूं, शायद तुम मेरा चेहरा भूल गए। और इसके बाद वो सारे बंदे मिलकर साकुरा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद साकुरा हंसने लगता है और ये सोचता है कि वही रिएक्शन है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लोग मुझे ऐसे ही देखकर अलग अलग बातें बोलते हैं, पर मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब इन बातों के बारे में नहीं सोचता और मैं बस यही जानता हूं कि मेरी भी एक वैल्यू है और मैं जब उन सभी लोगों को हरा दूंगा जो कि मेरे सामने आएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। साकुरा भी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी वो बंदा ये बोलता है कि तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया और तुमने मुझे मुक्का मारा, तो ये सारे बंदे तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी बॉस की पिटाई हो और इसलिए तुम्हारी पिटाई करना चाहते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये बोलता है, मुझे परेशान करना बंद करो और मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि मैं काफी वियर्ड दिखता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और हां मैं ऐसा ही हूं और मुझे टॉप का फाइटर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि साकुरा उन सभी को बिना डरे एक एक करके कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये सारे गुंडे मिलकर साकुरा पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इन सभी को धूल चटा रहा होता है और ये सारे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकुरा किसी की भी पकड़ में नहीं आता। जिसके बाद एक लड़का वहां से भागने लगता है और वो भागकर आगे चला जाता है, पर तभी अचानक ये सारी आवाजें सुनकर टाची बाहर आ जाती है और वो लड़का उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है, अबे ओए दो रंग के बिल्ले अगर तू आगे आया ना तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। और ये सुनने के बाद साकुरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसके साथियों को पेलता हुआ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद टाची उसे थैंक यू बोलती है, जिस पर साकुरा बोलता है कि मुझे इस बार भी गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक बंदा पीछे से साकुरा पर अटैक करता है, लेकिन साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़कर उसे दीवार में भिड़ा देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे मिलकर दोबारा से साकुरा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन सभी को काफी गंदे तरीके से मारता है और ये सोचता है, अगर मैं ऐसे ही इस लड़की को बचाता रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और आखिरकार मैं इसे बचाई क्यों रहा हूं। साकुरा अभी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस गैंग का लीडर साकुरा के पैर पर एक कट लगा देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक गुंडा उसके ऊपर बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन साकुरा उससे बच जाता है और वो ये सोचता है, मैं इसीलिए बोल रहा था कि हमें किसी को नहीं बचाना चाहिए, बचाने से मुसीबत आती है और आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, इसे क्यों बचा रहा हूँ मैं। इसके बाद वो बंदा दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्यूरन का एक स्टूडेंट आकर उसको बचा लेता है और ये बोलता है, क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो और मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी खुशी हुई और टाची तुम ये मत बोलना कि अब तुम फिर से मुसीबत में हो। जिसके बाद ये बंदा उस गुंडे का बैट पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारकर उसे एक ही लात में बेहोश कर देता है और बाकी सभी से ये बोलता है, अबे ओए गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़ो तुम्हें पता भी है तुमने इस टाउन की हालत कैसी कर दी है। जिसके बाद उसके साथ वाला बंदा ये बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर काफी सारे गुंडे होंगे लेकिन हम दोनों ही इन सभी के लिए काफी है। जिसको देखकर साकुरा ये सोचता है कि आखिरकार फ्यूरन मुझे बचा क्यों रहा है, पर तभी उनमें से एक बंदा ये कहता है, अरे यार ये तो फ्यूरन का हिरागी है। और दूसरा बंदा ये बोलता है, अरे यार डरो मत ये बस चार ही है हम इन्हें मार देंगे। और ये बोलने के बाद वो सारे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हिरागी ये बोलता है, सुनो दोस्तों इन बहन के भाइयों को आगे बढ़ने मत देना इनकी तो। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो चारों मिलकर उन सारे गुंडों को कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देते हैं, पर तभी अचानक उनमें से एक बंदा साकुरा पर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर साकुरा अपनी चोट की वजह से हिल नहीं पाता और जैसे ही वो बंदा साकुरा पर अटैक करता है तभी हिरागी आकर उसको बचा लेता है और ये बोलता है, अगर तुम जख्मी हो तो पीछे रहो। जिस पर साकुरा ये कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो समझे। और फिर देखते ही देखते ही चारों उन सभी गुंडों को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं और शहर के सारे लोग उन्हें चेयरअप कर रहे होते हैं, जिसको देखकर साकुरा ये कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी टाची ये बोलती है कि मैंने ये बात तुम्हें पहले बताई थी कि यहाँ पर गैंग्स काफी तबाही मचा रही हैं, जिससे पब्लिक की सेफ्टी काफी कम हो चुकी है और ये टाउन 2 साल पहले चेंज हो चुका है और इसको चेंज करने वाले फ्यूरन के ही स्टूडेंट थे और इन्होंने टाउन के बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हिरागी ये बोलता है, अगर तुम सारे बैट यूज करना नहीं जानते तो कम से कम पढ़ना सीखो। और इसके बाद टाची ये बताती है कि पहले इनका नाम फ्यूरन हाई स्कूल था लेकिन बाद में टाउन के लोगों ने इनका नाम बदल दिया क्योंकि ये लोग टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और इसीलिए इनका नया नाम है बो फ्यूरन यानी कि विंड ब्रेकर, जो कि यहाँ पर एक शील्ड का काम करते हैं। और इसके बाद टाची आगे ये बताती है कि 2 साल पहले फ्यूरन वैसा ही था जैसे कि तुमने बताया था, लेकिन आज ये लोग इनको पसंद करते हैं और इनकी जरूरत भी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद साकुरा ये सोचता है, ये सारे लोग तो हीरोज की तरह हैं क्योंकि लड़ाई करने के बाद भी लोग इनसे डरते नहीं है, क्या लोगों ने इन्हें अपना लिया है। पर तभी अचानक कुछ लोग साकुरा के पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने भी काफी अच्छा काम किया, जिसके बाद एक बूढ़ी
औरत उसकी चोट के पास आकर उसकी पट्टी करने की कोशिश करती है, पर साकुरा को इन सभी की आदत नहीं होती और वो डर जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। पर तभी टाची साकुरा की पट्टी करते हुए बोलती है, साकुरा मैंने तुमसे कहा था कि तुम अकेले हो इसलिए नहीं क्योंकि तुम अकेले रहना चाहते हो। मुझे ये लगता है कि तुम्हें लोगों ने अकेला बना दिया है, लेकिन फिर भी तुमने लोगों से नफरत नहीं की, इसीलिए तुमने उस बुड्ढे का बैग वापस कर दिया और इसीलिए ही तुमने मेरी मदद भी की। सुनो साकुरा, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है और आ जाओ हमारे साथ और वैसा बनो जैसा तुम बनना चाहते हो। पर साकुरा के मन में अभी काफी कुछ चल रहा होता है, जिसके बाद वो भागता है और एक काफी लंबी जंप लेता है और ये बोलता है, ये कैसे लोग हैं जो कि गुंडे होकर भी हीरोज हैं, और ये विंड ब्रेकर क्या है मुझे इसके बारे में नहीं पता, और ये शील्ड क्या चीज है, ये जो कुछ भी हो पर ये सारा कुछ काफी कूल है। और ये कहने के बाद वो एक गुंडे के मुंह पर काफी जोर से लात मारता है। अरे वाह मजा ही आ गया। और इसके बाद वो ये सोचता है कि क्या यहाँ के लोग मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद हम टाची को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है साकुरा की, जो कि एक बूढ़ी अम्मा को अपनी पीठ पर लाद कर लेकर आ रहा होता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये बूढ़ी अम्मा अपनी मर्जी से ही साकुरा की कमर पर बैठ गई होती है, और साकुरा को इसका ये फ्रेंडली बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जैसी वो बूढ़ी अम्मा कैफे के अंदर एंटर करती है, तभी वो स्पाइडरमैन की तरह जंप मारकर नीचे लैंड हो जाती है। और इससे पहले उसकी कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब नहीं होता। और ये देखने के बाद साकुरा काफी ज्यादा चौंक जाता है, और इसके बाद वो बूढ़ी अम्मा साकुरा को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। और इसके बाद साकुरा ये बोलता है, अरे अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुमने मुझे एक घोड़े की तरह इस्तेमाल किया, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अम्मा। और इसके बाद जैसी वो बूढ़ी अम्मा साकुरा को थैंक्स बोल रही होती है, तभी साकुरा शर्मा कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टाची उसको रोक लेती है और वो उसे खाने के लिए कुछ सैंडविचेस देती है। और वो ये कहती है, क्यों आज तो तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है, लेकिन वो तो दोपहर में है, अभी बस 10 ही बज रहे हैं। साकुरा अपना सैंडविच मजे से खा रहा होता है, लेकिन तभी टाची उसकी टांग खींचती हुई ये बोलती है, मुझे तुम आज काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, वैसे तुम्हें होना भी चाहिए क्योंकि वहां पर तुम्हें आज काफी इंटरेस्टिंग बच्चे मिलने वाले हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वहां पर एक बंदा टाची का नाम चिल्लाता हुआ आता है, लेकिन जैसे वो अंदर आ रहा होता है तभी उसका पैर दरवाजे में अटक जाता है और वो नीचे गिरकर जमीन को चूमने लगता है। अबे यार इसकी भैंस की टांग। जिसके बाद वो बूढ़ी अम्मा इसको गुड मॉर्निंग बोलती है, और इस बंदे का नाम हमें नीरे बताया जाता है। और इसके बाद ये स्टाइल मारते हुए टाची से ये पूछता है, अरे बताओ टाची आज मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ ना एकदम शाहरुख खान, और ये फ्यूरियन की ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, बोलो बोलो। पर तभी साकुरा उसे बोलता है, अबे ओए ढक्कन अपनी ड्रेस में से टैक्स तो बाहर निकाल ले, बड़ा आया शाहरुख खान बनने वाला, हट। और इसके बाद नीरे अपने कपड़ों में से टैक्स को निकालना शुरू करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, पर उससे वो टैग्स नहीं निकलते, पर थोड़ी देर बाद वो टैग्स को निकाल लेता है। और इसके बाद साकुरा उसे देखकर ये बोलता है, क्या ये बंदा भी हमारे साथ फ्यूरियन के अंदर है। जिस पर टाची ये कहती है कि हाँ तुम दोनों एक ही स्कूल में हो और एक ही क्लास में हो। और इसके बाद नीरे साकुरा से ये बोलता है, अबे ओए तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी देखा नहीं है। जिस पर साकुरा ये बोलता है, अबे ओए घुचू मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे टाउन से यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नीरे साकुरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि साकुरा के साथ पास्ट में काफी ज्यादा बुरी चीजें हुई हैं, और वो साकुरा को सिंपैथी दिखाना शुरू कर देता है। और इसको देखकर टाची काफी ज्यादा हंसने लगती है, और वो ये बोलती है कि ये बंदा कल ही हमारे टाउन के अंदर आया है। और फिर नीरे अपनी जेब में से एक नोटबुक निकालता है, और उसे निकालकर वो ये बोलता है, साकुरा ये कैसा नाम है, और आज से पहले मैंने ये नाम किसी भी टाउन के अंदर नहीं सुना, और तुम जैसा बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। जिस पर साकुरा टाची से ये बोलता है, तुम देख रही हो ये बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, बताऊं इसे मैं कौन हूँ, अभी तोड़ू इसका मुंह। जिस पर टाची कहती है, ये तो ऐसा ही है लप्पू के जैसा। और इसके बाद नीरे ये बताने लगता है कि फ्यूरिन कोई आम स्कूल नहीं है, और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ के बच्चे हमेशा ही लोकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं, और कमजोर लोगों को बचाना इनका काम होता है, इसीलिए इन्हें हीरो ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। और जो भी वो फ्यूरिन का मेंबर होता है उसे अपने सीनियर की इज्जत करनी पड़ती है। और इसके बाद नीरे उसके सामने अपने सीनियर्स की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, और वही बोलता है, पर एक बात बताओ तुम यहाँ पर करने के आए हो। जिस पर साकुरा ये बोलता है, सुन बे घोचू मैं यहाँ पर नंबर वन की जगह लेने आया हूँ, और मैं ये बात जानता हूँ कि इस टाउन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदे होंगे, और मैं उनके बीच में स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, वो भी नंबर वन। और ये सुनने के बाद नीरे उसकी टांग खींचने लगता है, जिसके बाद टाची भी काफी ज्यादा हंसने लगती है। जिसके बाद साकुरा उससे ये बोलता है, अबे ओ ओ डेढ़ फुटिया तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा आज, बताऊं तुझे अभी, चल एक काम कर दो दो हाथ करते हैं। लेकिन तभी नीरे ये बोलता है, अबे ओए टाइम कितना ज्यादा हो गया, मुझे तो आज काफी जरूरी काम है, मैं तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता। ओके टाची मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और तुमसे भी साकुरा। जिसके बाद वो साकुरा को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका सर दरवाजे से भिड़ जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि टाची उसके लिए कॉफी बनाना शुरू कर देती है, और साकुरा ये बताता है कि ये बंदा भी फ्यूरिन के अंदर पड़ता है, और जो बंदे अपने कपड़ों और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते
हैं वो फाइट में इतने अच्छे नहीं होते। पर तभी टाची उसे बोलती है कि तुम्हें लोगों को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले उन्हें समझना चाहिए जैसे कि मैं तुम्हें समझ रही हूँ। लेकिन साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ये पूछता है क्या ये बंदा सच में लड़ने में इतना अच्छा है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि साकुरा टाउन के अंदर घूम रहा होता है और वहाँ के सारे लोग उसे बार बार थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि साकुरा ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। और इसके बाद टाउन के अलग अलग लोग उसे काफी सारी चीजें देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद साकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अभी साकुरा ये सारी बातें सोच ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आकर उसका हाथ पकड़ लेती है जो कि उससे हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर आती है। हम ये देखते हैं कि कुछ गुंडे नीरे को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं क्योंकि नीरे उस लड़की को बचा लेता है जिसको ये छेड़ रहे थे और वो वहाँ से चली जाती है लेकिन नीरे यहीं पर फंस जाता है। और इसके बाद ये सारे बंदे नीरे को घेर लेते हैं और उनमें से एक बंदा उसे कहता है तुम क्या इस टाउन को प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हें तो खुद मदद की जरूरत है। और ये कहने के बाद ये सारे बंदे यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी अचानक नीरे उसको पीछे से पकड़ लेता है। अबे क्या बोला तो मुझे। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो बंदा नीरे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है लेकिन नीरे दोबारा से खड़ा होकर उसको पकड़ लेता है और वो ये कहता है कि बो फ्यूरन के बंदे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो और इस टाउन के साथ भी। जिसको सुनने के बाद ये सारे बंदे जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो बंदा ये बोलता है अबे ओए सुन, ये सारा कुछ बस मूवीज के अंदर होता है, रियल में कोई भी हीरोज नहीं होते। और ये कहने के बाद वो नीरे को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि साकुरा वहाँ पर आ जाता है और वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। नीरे कहता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, जिस पर साकुरा बोलता है अबे ओए घोचू, मैं तुझे नहीं बचा रहा हूँ, मुझे बस उन लोगों से नफरत है जो कि अपने आप को स्ट्रांग बोलते हैं लेकिन वो सच में होते नहीं। और फिर देखते ही देखते ये पूरी की पूरी गैंग साकुरा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और नीरे को ऐसा लगता है कि साकुरा इनका सामना नहीं कर पाएगा लेकिन इसका उल्टा होता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि साकुरा उन सभी को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और उन सभी को नीचे गिरा देता है। और ये देखने के बाद नीरे भी साकुरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे साकुरा की ताकत का अंदाजा हो जाता है। और ये सारा कुछ खत्म करने के बाद साकुरा वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है लेकिन तभी नीरे उसको थैंक यू बोलता है और ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे कि मेरे जैसा स्टूडेंट भी फ्यूरिन के अंदर पढ़ता है। और इसके बाद साकुरा ये बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने यहाँ पर नहीं आया था और मुझे नहीं पता कि तुम जैसा स्टूडेंट फ्यूरिन के अंदर क्या कर रहा है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए। जिसके बाद नीरे बताता है कि जब वो हाई स्कूल के अंदर था तो वहाँ पर उसे काफी सारे लोग बुली किया करते थे और उस टाइम आकर फ्यूरिन के एक स्टूडेंट ने उसकी जान बचाई थी और उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भी फ्यूरिन के बच्चों की तरह बनना चाहता हूँ। और इसके बाद वो ये बताता है कि वो फ्यूरिन के अंदर इसलिए जाना चाहता है ताकि वो भी कूल लग सके लेकिन वो भी इस बात को जानता है कि वो काफी बेकार है। और ये सारी बातें सुनने के बाद साकुरा ये बोलता है कि तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह रोना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर दिखाती है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की जिसको नीरे बचा रहा था वो दोबारा से आ जाती है और वो आने के बाद नीरे से उसका हाल चाल पूछती है, जिस पर नीरे ये बोलता है कि मैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो लड़की ये कहती है उस समय मैं काफी डर गई थी क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली, इसलिए थैंक यू। और इसके बाद वो लड़की साकुरा को भी थैंक्स बोलती है और ये सुनकर साकुरा ब्लश करने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नीरे उसको रोक लेता है और उससे काफी अजीब गरीब सवाल पूछने शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उसकी हाइट भी नापता है। और इसके बाद साकुरा उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी नीरे उसको अपने साथ स्कूल चलने के लिए कहता है और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। पर तभी अचानक हमें एक बंदा दिखाया जाता है और वो ये बोलता है कि मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ फर्स्ट ईयर वालों, अब आएगा मजा। और इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि बैठकर खाना खा रहा होता है लेकिन तभी नीरे उससे बोलता है कि जल्दी करो हमें स्कूल के लिए जाना है। और इसके बाद ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही ये दोनों स्कूल के सामने पहुंचते हैं तभी नीरे ये बताता है कि ये देखो ये है बो फ्यूरिन का हेडक्वार्टर, जिसको देखने के बाद साकुरा काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे इस स्कूल के अंदर काफी सारे लोग मिलने वाले हैं जिनसे वो पहले भी मिल चुका है। और इसके बाद ये दोनों क्लास की लिस्ट देखना शुरू कर देते हैं जिसमें इन दोनों का नाम एक ही क्लास के अंदर होता है। और इसके बाद नीरे कुछ लड़कियों के नाम देखता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और साकुरा उससे ये कहता है अबे ओए ये तुम क्या देख रहे हो और इसे देखकर तुम खुश क्यों हो रहे हो। और इसके बाद जैसे ये दोनों क्लास के अंदर जा रहे होते हैं लेकिन तभी नीरे की नजर एक ऐसे नाम पर पड़ती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लास में जाने से पहले नीरे साकुरा से ये कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम क्लास में जाने के बाद सभी लोगों से दोस्ती करोगे, तो इसीलिए जल्दी से स्माइल करना शुरू कर दो, अरे करो ना। और साकुरा उसे बोलता है अबे भाई तू क्या बकवास कर रहा है। और नीरे कहता है कि देखो साकुरा तुम बाहर के टाउन से आए हो और सारे लोग तुमसे ये पता करेंगे तुम कहां से हो, अगर तुमने उसका सही
तरीके से जवाब नहीं दिया तो सबको यही लगेगा कि तुम उनके दुश्मन हो। और ये सुनने के बाद साकुरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अंदर अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। पर नीरे उसे डरते हुए ये बोलता है, अरे यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? अगर पूरा स्कूल तुम्हारे अगेंस्ट हो गया तो सोचो क्या होगा। पर तभी साकुरा ये कहता है, देखो मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने के लिए आया हूँ। और ये कहने के बाद वो क्लासरूम का गेट खोलता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लास का एक लड़का साकुरा के पास आता है और ये कहता है कि तुम ही साकुरा हो ना, जिस पर साकुरा कहता है कि हाँ, और वो अटैक करने के मोड में आ जाता है। पर तभी नीरे सामने आकर सिचुएशन को संभाल लेता है और वो अपनी डायरी को निकाल कर इस बंदे के बारे में देखने लगता है। और इसके बाद ये बंदा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है लियोनार्डो द कैप्रियो। और ये सुनने के बाद साकुरा कहता है कि तुम कहीं बाहर से हो क्या? जिस पर वो ये कहता है कि नहीं, मैं जापानीज हूँ। और ये सुनने के बाद साकुरा का मुंह लटक जाता है। और इसके बाद हम नीरे को देखते हैं जो कि मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि ये बंदा काफी गुस्से वाला होगा, लेकिन ये तो एक नंबर का लल्लू लग रहा है। जिसके बाद वो बंदा ये कहता है कि सारे लोग मुझे सुओ कहकर बुलाते हैं और तुम जो मेरी ये राइट वाली आंख देख रहे हो ना, इसके अंदर एक चाइनीज एंशिएंट स्पिरिट कैद है। और इसके बाद वो ये कहता है कि मेरा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया साकुरा, अब तुम्हारी बारी है। और साकुरा को ऐसा लगता है कि वो बंदा लड़ने वाला है, इसलिए साकुरा दोबारा से लड़ने वाले मोड में आ जाता है। लेकिन तभी वो बंदा साकुरा के पीछे आकर उसकी पीठ को थपथपाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानता हूँ साकुरा, तुम तो यहाँ पर आते ही स्टार बन गए। जिसके बाद क्लास के सारे बच्चे उससे पूछते हैं, अबे यार तुम ये क्या बात कर रहे हो? जिस पर सुओ सबको ये बताने लगता है कि कल जो टाउन में लड़ाई हुई थी वहाँ पर साकुरा ने ही सारा कुछ संभाला था और यही बंदा मेन हीरो है। और ये सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो साकुरा के आस पास आकर खड़े हो जाते हैं। पर तभी उनमें से एक बच्चा ये बोलता है कि हाँ, कल मेरी दादी माँ भी वहीं पर थी और उन्होंने ये बताया कि कल उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसे वो पहचान नहीं पाई। और फिर देखते ही देखते ये सारे लोग साकुरा से बात करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो ब्लश करने लगता है। और नीरे ये सोचता है इसकी भैंस की टेंट में जो कुछ भी आज सोच रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है। और इसके बाद क्लास के सारे बच्चे साकुरा से ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर साकुरा ये बोलता है कि मैं यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद सबका रिएक्शन काफी अजीब होता है। पर तभी अचानक हम क्लास के एक और बच्चे क्योतारो को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और वो साकुरा के ऊपर बेंच फेंक कर मारता है और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। पर साकुरा उसके अटैक को आराम से डॉच कर लेता है और ये बोलता है कि मैं फ्यूरन हाई के बच्चों से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि साकुरा और क्योतारो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये दोनों ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी सुओ ये बोलता है, आज तो काफी मजा आने वाला है और साकुरा क्योतारो के होते हुए तुम कभी भी टॉप स्पॉट नहीं ले सकते। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो साकुरा के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और साकुरा भी उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। और इसके बाद सुओ ये बताता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये एक लौता बंदा है जो कि स्कूल के अंदर एंटर करने से पहले ही वो फ्यूरन का मेंबर बन गया था और ये यहाँ के टॉप बंदे की सारी बातें मानता है, तो ये तुम्हें टॉप स्पॉट नहीं लेने देगा। और इसके बाद उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि इन दोनों को जल्दी रोक लो वरना वो नया बंदा मारा जाएगा। और इसके बाद क्योतारो दोबारा से साकुरा के ऊपर अटैक करता है पर साकुरा का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसके बाद साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है जिसको देखकर वहां खड़े सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद साकुरा ये बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम एक चमचे हो और तुम अपने आप से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और ये सुनने के बाद वो दोनों दोबारा से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। पर तभी माइक में एक अनाउंसमेंट होती है कि आप सबका इस स्कूल के अंदर स्वागत है। और इसे सुनने के बाद साकुरा ये बोलता है, अभी यार ये क्या दिक्कत है, चलो दोबारा से लड़ाई शुरू करते हैं। पर तभी साकुरा ये देखता है कि सारे लोग सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं और वो ये सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दोबारा से माइक में से ये आवाज आती है कि चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बो फ्यूरन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरा नाम है हाजिमे उमेमिया। और ये सुनने के बाद साकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तो आखिरकार ये है टॉप पर। और इसके बाद हाजिमे ये बोलता है कि तुम सब अपनी लाइफ एंजॉय करो और इस बार हम गर्मियों में बीच पर जाने वाले हैं और वहां जाकर गोला खाएंगे। और ये सुनकर नीरे बोलता है, पर हम वहां पर क्यों जाएंगे? पर तभी क्योतारो उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है, अबे ओए ढक्कन, तुझे कोई दिक्कत है? अगर बॉस ने बोल दिया तो चुप रहे। और इसके बाद नीरे डर कर साकुरा के पास भाग जाता है। और इसके बाद उमेमिया ये बोलता है कि तुम सब एक बात याद रखना, तुम्हारा काम है यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना और यहाँ के टाउन को भी। और ये सुनने के बाद साकुरा काफी ज्यादा चौंक जाता है, पर सारे लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। पर तभी अचानक सुए बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों हाथ मिला लो। जिस पर साकुरा ये बोलता है कि अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है और ये पहला बंदा है जिसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। जिसके बाद नीरे ये बोलता है कि तुम्हारा फेस लाल क्यों है? और ये सुनने के बाद साकुरा उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है। और इसके बाद सुओ उन दोनों को
समझाता है और क्योतारो हैंडशेक करने के लिए मान जाता है। पर साकुरा ये सोचता है कि अब मुझे अब इस बंदे से हाथ मिलाना पड़ेगा, ये कितना अजीब है। पर थोड़ी देर के बाद वो उससे हाथ मिला लेता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का हाथ दबाने लगते हैं और इसके बाद हम ये देखते हैं कि काफी सारे लोग साकुरा के ऊपर कूद जाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद साकुरा ये बोलता है अबे यार अब क्या दिक्कत है। और इसके बाद वो ये सोचता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरे साथ ऐसी ही चीजें हो रही हैं। और इसके बाद वो उसका गला पकड़ लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि साकुरा बेहोश हो गया। पर तभी अचानक साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी बेहोश हो जाऊंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और ये बोलता है तुम लोग जल्दी बाहर चलो, अगर तुम सब बाहर नहीं गए तो वो लोग मुझे डांटेंगे। और इसके बाद हम हिरागी को देखते हैं जो कि उनसे ये बोलता है कि तुम लोग काफी लेट हो, तुमसे अच्छे तो नर्सरी के बच्चे होते हैं। और इसके बाद साकुरा ये बोलता है ये तो वही बंदा है जो कि मुझे उस दिन मिला था। और ये सुनने के बाद नीरे बोलता है क्या तुम इसको जानते हो। और इसके बाद साकुरा टाची का नाम लेने ही वाला होता है, तभी हिरागी उसको पकड़ कर नीचे गिरा देता है। और तभी साकुरा ये बोलता है कि अब तुम्हें क्या दिक्कत है, जिस पर वो ये बताता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि टाची वहाँ पर थी। पर तभी साकुरा उससे ये बोलता है अबे यार मेरे मुंह पर थूकना बंद करो। और ये सारा कुछ देखने के बाद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हिरागी उससे ये बोलता है अबे समझना यार, अगर उसे पता चला कि टाची वहाँ पर थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, और तुम ये बात समझ लो कि तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि टाची वहाँ पर थी। और ये बोलने के बाद हिरागी गैस की गोलियां खाना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो जाते जाते साकुरा से ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर करने क्या आए हो, पर तुम अब एक ऐसी जगह पर आ चुके हो जहाँ का लीडर काफी ज्यादा खतरनाक है। पर तभी नीरे उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। साकुरा उसे बताता है अरे यार मुझे क्या पता, ये मेरे साथ अजीब सी बातें कर रहा था और बाद में एक गैस की गोली खा कर यहाँ से चला गया, मुझे ऐसा लगता है इसकी गैस निकलने वाली थी। और ये सुनने के बाद नीरे इस बात को भी अपनी डायरी के अंदर लिखना शुरू कर देता है, जिस पर साकुरा उसे बोलता है अबे यार इसे क्या लिख रहा है, ये तो गैस की बात है। और इसके बाद नीरे ये बताता है कि हिरागी वो फ्यूरिन के चार किंग्स में से एक है और सबसे ऊपर है उमेमिया, उसके नीचे चार किंग्स आते हैं जो कि हर क्लास के लिए एक कैप्टन की तरह है। और इसके बाद नीरे ये बताता है कि इन चारों क्लासेस की नींव बुद्धिज्म के चार देवास के ऊपर रखी गई है, जिसमें पहले नंबर पर आती है टामोन स्क्वाड और दूसरे पर जिकोकू स्क्वाड और फिर आती है जोकू और कोमोकू स्क्वाड। और वो ये कहता है कि हम सारे टामोन स्क्वाड के अंदर आते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हिरागी को देखते हैं जो कि उन सबको ये बताता है कि तुम सबको अलग अलग टीम्स के अंदर डिवाइड हो जाना है और ये जानना है कि वो फ्यूरिन आखिरकार काम कैसे करता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे टाउन का चक्कर लगाने चले जाते हैं, पर तभी साकुरा ये बोलता है कि टाउन का चक्कर लगाना तो ठीक है पर मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, और अगर मेरा दिमाग घूमा तो मैं इसे रास्ते में ही ठिकाने लगा दूंगा। और इसके बाद हिरागी उन दोनों से ये बोलता है कि मुझे बॉस ने तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है क्योंकि तुम दोनों क्लास के पहले दिन ही लड़ चुके हो। जिस पर साकुरा ये बोलता है कि यही वो बंदा है जिसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, तभी मैंने इसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी। जिस पर हिरागी बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता पर अब तुम दोनों अलग अलग रहोगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि साकुरा ये बोलता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हमें टाउन को बचाना है तो हमें उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो कि टाउन को खराब कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद हिरागी उसे ये समझाता है कि हमारे यहाँ पर घूमने के पीछे एक रीजन है, जब हम यहाँ पर घूमते हैं तो यहाँ से काफी सारी छोटी छोटी टीम्स दूर रहती हैं। और ये बोलने के बाद वो एक बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए चला जाता है और ये सारे भी एक दुकान पर पेंट करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ का काम खत्म हो जाता है, तभी हिरागी बोलता है कि बॉस यहाँ का काम खत्म हो चुका है। और इसके बाद शॉप का ओनर उन्हें कुछ खाने के लिए देता है और ये सारे खाते खाते यहाँ से चले जाते हैं। और तभी हिरागी साकुरा से ये बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हें बिना लड़ाई के मजा नहीं आता, पहले मैं भी ऐसा था पर लोगों की मदद करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सामने एक पेंटिंग बनी होती है, जिसको देखकर साकुरा ये बोलता है अबे यार ये कैसा अजीब सा कुत्ता है। पर तभी नीरे उसको ये बोलता है अबे यार तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, क्या पता वो सारे यहीं पर आसपास हो। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये एरिया वो फ्यूरिन और दूसरी टीम के बीच का एक बॉर्डर होता है और वहाँ के रूल यहाँ से काफी अलग होते हैं। और इसके बाद नीरे ये बताता है कि वो लोग बस एक ही चीज में बिलीव रखते हैं और वो है पावर। और ये सुनने के बाद साकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सामने से एक बंदा भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे दूसरी टीम के बंदे होते हैं, पर तभी वो बंदा नीचे गिर जाता है। और जैसे वो दूसरी टीम के बंदे उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी अचानक हम ये देखते हैं कि साकुरा और क्योतारो वहाँ जाकर एक बंदे के मुंह पर जोरदार लात मारते हैं, जिसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। और तभी नीरे ये बोलता है कि लो तुमने पंगा ले लिया, अब बजने वाली है हमारी बैंड। और इसके बाद साकुरा क्योतारो से ये बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा, पर क्योतारो वहाँ से नहीं जाता। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और ये बोलता है कि मैंने
यहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए देखा तो इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। जिसको देखकर हिराकी बोलता है अबे यार इसको भी आज ही मिलना था। और इसके बाद वो ये कहता है कि आखिरकार फ्यूरिन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम्हें क्या हुआ। जिसको देखकर साकुरा ये सोचता है अबे यार अब ये बंदा कौन है और इसके साथ क्या दिक्कत है। और इसके बाद हिराकी जो को सारी बातें बताता है पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो गिरा हुआ बंदा उठ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें पता है ना रूल्स कि तुम हमारे एरिया में नहीं आ सकते और ना ही हम तुम्हारे, तो तुमने मुझे कैसे मारा। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जो उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है और उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए ये बोलता है कि कौन से तुम्हारी साइड, तुम तो पहले ही हार चुके हो और जो लोग कमजोर होते हैं। और अभी जो अपनी बातें कंप्लीट कर ही रहा होता है तभी हिराकी उससे बोलता है तुम बस करो, तुम इसे मार क्यों रहे हो, तुम दोनों तो एक ही टीम में हो। जिस पर जो ये बोलता है ये बंदा अब हमारी टीम में नहीं है क्योंकि ये हार चुका है। और ये सारी बातें सुनने के बाद साकुरा ये बोलता है अबे यार ये क्या मजाक चल रहा है, तुम लोग तो पावर को मानते हो और तुमने अभी एक कमजोर को मारा, ये कैसी पावर है। और इसके बाद साकुरा ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी इंटरेस्टिंग होंगे पर तुमने मुझे निराश कर दिया। जिस पर जो ये बोलता है ओ अच्छा तो तुम निराश हो गए और तुम्हारा सर कितना अजीब है जैसे कि एक गेम हो और तुम कितना तेज बोलते हो। तभी साकुरा उससे बोलता है अबे ओए ढक्कन मैं तेज नहीं तुम स्लो बोलते हो। और इसके बाद जो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तब मारूंगा जब हम फाइट में मिलेंगे और तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा, ये अजीब सा चेहरा और अजीब से बाल। और इसके बाद हम नीरे को देखते हैं जो कि ये बोलता है अबे यार तुम दोनों ने ये क्या कर दिया, अब यहाँ पर लड़ाई होगी, बंदूकें चलेंगी, तोप चलेंगी और काफी खतरनाक फाइट भी होने वाली है। और इसके बाद नीरे ये बोलता है कि अगर साकुरा ने उन्हें लास्ट मोमेंट पर गुस्सा नहीं दिलाया होता तो ये मामला आराम से निपट सकता था। और इसके बाद हिराकी ये बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है कि मैंने जल्दी रिएक्ट नहीं किया और वैसे भी जो हमें इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था और जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, चलो दोबारा स्कूल चलते हैं। और इसके बाद अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे दोबारा से स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और साकुरा भी उमिमिया को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और जैसे ही ये सारे ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर एक अजीब सी जगह बनी हुई होती है जिसको देखकर ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और उमिमिया यहां पर खेती कर रहा होता है जिसको देखकर साकुरा ये सोचता है अच्छा तो यही है फ्यूरिन का सबसे पावरफुल बंदा। और इसके बाद उमिमिया ये बोलता है अरे हिराकी तुम यहां पर आ ही गए, देखो यहां पर कितने सारे प्लांट्स हैं, चलो इनको उगाते हैं ताकि हम गर्मियों में बारबेक्यू खा सकें। और ये सुनने के बाद साकुरा ये सोचता है क्या ये बंदा सच में स्ट्रांग है, ये तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि उमिमिया अपने प्लांट्स लगा रहा होता है और सभी को अपने प्लांट्स के बारे में बताता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद नीरे और साकुरा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और साकुरा को तो ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हिराकी कहता है कि जब ये बंदा एक बार बोलना शुरू कर देता है तो ये रुकता नहीं है, ये लगातार बोलता ही जाता है। और तभी साकुरा ये बोलता है कि मुझे तो ये सारे प्लांट्स एक जैसे लग रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। उमिमिया कहता है कि ध्यान से देखो ये सारे एक दूसरे से काफी अलग हैं। और तभी मसाकी ये बताता है कि मैंने टाउन के अंदर एक चोर को देखा था और मैं उसके पीछे भाग रहा था, मुझे माफ करना, मेरी वजह से ही ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। और उमिमिया उसे ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने इस टाउन की हेल्प करने की कोशिश की थी तो तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हिराकी ये बता रहा होता है कि ये सारी उसी की गलती है क्योंकि उसने इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया था। और तभी नीरे ये बताता है कि ये सारी लड़ाई साकुरा ने शुरू की थी। अबे ओए तू ये सारी बात यहाँ पर क्यों बता रहा है, चुप रह। और यहाँ पर साकुरा उसे सारी बातें बता देता है कि आखिरकार क्या हुआ था। और ये देखकर क्योतारो की जल रही होती है क्योंकि उमिमिया साकुरा के काफी करीब आ रहा होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक बंदा स्कूल के ग्राउंड के अंदर आ जाता है और इस बंदे का नाम होता है चोजी। और ये उनके एक बंदे को काफी गंदे तरीके से मारकर उसे खींचकर अपने साथ ला रहा होता है। और ये देखकर नीरे की फटने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाली है। और तभी साकुरा ये नोटिस करता है कि उमिमिया के अंदर से एक काफी खतरनाक ऑरा फील हो रहा होता है। और इसके बाद ये सारे नीचे पहुंच जाते हैं पर उमिमिया उन सभी को आगे आने से मना कर देता है। साकुरा कहता है कि मुझे भी इस लड़ाई के अंदर जाना है, सुनो बच्चे मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। और ये सुनने के बाद साकुरा वहीं पर जम जाता है और उसे ऐसा लगता है क्या ये वही बंदा है जिससे कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। और यहाँ पर चोजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो उमिमिया को 1v1 करने के लिए बोलता है पर वो मना कर देता है, जिसके बाद चोजी उसे लात मारने के लिए आगे जा रहा होता है पर उमिमिया उसकी किक को रोक लेता है। और चोजी ये बोलता है कि देखो मैंने फाइट को दोबारा से शुरू कर दिया तो अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और तभी उसके बाकी साथी पीछे से आ जाते हैं और यहाँ पर जो भी होता है। और यहाँ पर चोजी अपने ग्रुप से ये कहता है कि मैं इस बंदे के साथ 1v1 करने वाला हूँ तो तुम मेरे बीच में मत आना, पर जो उसे ऐसा करने से मना करता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा का पूरा फ्यूरिन उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। और ये देखकर नीरे की दोबारा से फट रही होती है पर उमिमिया सभी से ये कहता है कि कोई बाहर नहीं आएगा, जिसके बाद ये बंदे उमिमिया का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और क्योतारो को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ऐसे ही ये सारे एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। जो ये
कहता है कि चलो यार कल फाइट करेंगे, वैसे भी रात होने वाली है और जब हम इन्हें मारेंगे तो इनका गंदा मुंह हमें रात में दिखाई नहीं देगा। साकुरा कहता है अबे ओए तेरा मुंह कौन सा दिखाई देगा। और इसके बाद ये सारे आपस में एक बैटल डिसाइड कर लेते हैं, जिसको सुनने के बाद चोजी काफी खुश होता है और साकुरा भी इस फाइट के लिए एकदम तैयार होता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे टाची के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर नीरे कपकपा रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि कल कहीं हम हार ना जाएं। और ये सुनने के बाद क्योतारो उसे गुस्से की निगाहों से देखने लगता है। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी साकुरा आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है और ये सारे उमिमिया का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उमिमिया की और वो आते ही टाची से बातें करना शुरू कर देता है। और साकुरा देखता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हिरागी उसे ये बताता है कि टाची उसकी फेवरेट है, यानी कि उमिमिया की। साकुरा को ऐसा लगता है कि टाची उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उमिमिया सारी बातें क्लियर कर देता है और ये कहता है अबे ओए ये मेरी छोटी बहन है। और यहाँ पर टाची ये बताती है कि ये दोनों एक ही ऑर्फनेज के अंदर पले बड़े हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को बहन भाई मानते हैं। जिसके बाद साकुरा टाची से उसकी एज पता करता है और टाची बोलती है कि मैं बस 16 की हूँ। ओहो 16 की उम्र, 16 और बदन 26। और ये सुनने के बाद क्योतारो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बेंच फेंक कर मारता है, पर साकुरा बच जाता है। और इसके बाद ये सारे दोबारा से बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर साकुरा उमिमिया से लायन हेड ग्रुप के बारे में पता करता है। वो ये बताता है कि पहले ये लोग ऐसे नहीं थे, पर जब से उनका लीडर चोजी बना है तो वो काफी बदल गए हैं। चोजी और जो इस पूरे ग्रुप को लीड करते हैं और वो दोनों ही लायन हेड के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। उमिमिया कहता है कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है और वैसे भी कल हम उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उमिमिया सभी से ये कहता है कल कोई भी लेट नहीं होगा, सभी को टाइम पर आना है। और मसाकी उन सभी को कल की फाइट के लिए गुड लक बोलता है। उमिमिया कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और इसके बाद ये सारे जाने लगते हैं, पर साकुरा अभी भी उमिमिया की बात को याद कर रहा होता है कि फाइट एक तरह की कॉन्वर्सेशन है और हमारे पंचेस एक तरह की लैंग्वेज है और यही बातचीत वो कल करने के लिए जा रहे हैं। एंड देन अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं जो कि लायन हेड से लड़ने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। और चोजी इन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आओ आओ हमारे मेहमान आ चुके हैं, और इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है और ये सारे उनके पीछे जाने लगते हैं। और तभी साकुरा ये पूछता है कि यहाँ पर काफी सारे बार्स हैं। तभी सुओ ये बताता है कि यहाँ पर रात भर पार्टी चलती है, मुन्नी बदनाम होती है और पूरी रात गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। और तभी हिरागी उनके ऊपर गुस्सा करता है अबे ओए शांत हो जाओ। और इसके बाद ये सारे लायन ग्रुप के बेस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लायन ग्रुप के बहुत ही सारे बंदे पहले से ही इस लड़ाई को देखने के लिए बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर नीरे की दोबारा से फटने लगती है। साकुरा उसे कहता है अबे ओए डरना बंद कर। जिसके बाद उमिमिया उन सभी से कहता है कि अगर तुम हार भी जाओ तो कोई बात नहीं है। साकुरा कहता है कि मैं आज हारने वाला नहीं हूं, और सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि हम भी आज हारेंगे नहीं। जिसके बाद पहली फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है और ये फाइट क्योतारो और अरिमा के बीच में होने वाली होती है। और नीरे सभी को ये बता रहा होता है कि अरिमा काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। सुओ कहता है अबे ओए टेंशन लेना बंद कर, क्योतारो भी कुछ कम नहीं है। और इसके बाद अरिमा क्योतारो का मजाक बनाना शुरू कर देता है, पर क्योतारो को इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही क्योतारो का ध्यान भटकता है तभी अरिमा उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्योतारो उसको पकड़ता है और जमीन में पटक देता है और ये कहता है कि तुम्हें हमसे पंगे नहीं लेने चाहिए, और खास करके उमिमिया सर से। और ये देखकर लायन ग्रुप के सारे बंदे चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बंदे ने अरिमा को एक ही फटके में नॉकआउट कर दिया होता है। और ये देखकर अरिमा के फ्रेंड की फट रही होती है, अरे यार ये तो हार गया, मुझे ऐसा लगा था कि ये जीत जाएगा। और इस फाइट को देखने के बाद जो काफी सीरियस हो जाता है और चोजी को बहुत मजे आ रहे होते हैं। जिसके बाद उमिमिया क्योतारो की तारीफ करता है और ये कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर हो। और साकुरा भी इस बात को अच्छे से जानता था कि इस फाइट को कौन जीतने वाला है। और तभी चोजी ये बोलता है कि इस बंदे को यहाँ से लेकर जाओ और हमें इस बंदे की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद दो बंदे अरिमा को लेकर जा रहे होते हैं और उसे साइड में करके उसके फेस पर लात मारते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप में कमजोर लोगों की जगह नहीं है। और इसके बाद चोजी ये पूछता है कि अगली फाइट किसकी है। साकुरा कहता है कि अब मेरी बारी है, लेकिन यहाँ पर नंबर होता है सुओ का और उसकी फाइट कानुमा के साथ हो रही होती है। और इसके बाद साकुरा नीरे से सुओ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। नीरे बताता है कि इस बंदे के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन काफी कम है, बस वो इतना कहता है कि सुओ काफी स्ट्रांग है और हम नहीं जानते कि इसने किससे फाइट की है। और फिर उमिमिया ये कहता है कि उसने भी सुओ के बारे में काफी ज्यादा सुना है, पर उसे कभी लड़ते हुए देखा नहीं है। और तभी कानुमा उसे ये कहता है कि मैं तुमसे अपने फ्रेंड का बदला लेने वाला हूँ। सुओ कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हें अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगा है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कानुमा सुओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर सुओ काफी फास्ट होता है और वो उसे पकड़कर नीचे पटक देता है। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कानुमा उसे पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर सुओ उसके हाथ नहीं आता। और यहाँ पर सुओ उसे काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और इस फाइट को जल्दी खत्म नहीं कर रहा होता, बल्कि वो
कानुमा की इंसल्ट कर रहा होता है और ये देखकर लायन हेड के सारे मेंबर्स कानुमा को कमजोर कह रहे होते हैं और वो मनी मन में ये सोच रहा होता है कि अगर ये सारे मेरी जगह होते तो इन्हें पता चलता कि इस बंदे से लड़ना कितना मुश्किल है। और फिर देखते ही देखते सुओ कानुमा को और भी ज्यादा गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और ये देखकर साकुरा काफी चौंक जाता है क्योंकि सुओ बहुत ही ज्यादा तेज होता है। साकुरा कहता है कि मुझे भी इस बंदे से फाइट करनी है पर मैं करूँ कैसे। नीरे कहता है कि ये आइडिया तुम खुद लगाओ। और फिर हम सुओ को देखते हैं जो कि इस बंदे को मारते मारते इसका कुत्ता भर देता है पर चोजी इस फाइट को देखते देखते यहीं पर सो जाता है और जो का ध्यान बिल्कुल फाइट में होता है। और सुओ कानुमा को इस फाइट के अंदर हार मानने के लिए बोलता है लेकिन वो सुओ के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आगे जा रहा होता है पर तभी सुओ उसके मुंह पर लात मारने के लिए अपनी किक आगे करता है पर वो रुक जाता है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सारे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं जैसे कि तुमने उस बंदे का बनाया था। और ये देखकर जो उसे कहता है कि कानुमा तुम इस फाइट को यहीं पर रोक दो, तुमने पहले ही हमारी टीम की इंसल्ट करवा दी है और हम तुम्हें लायन हेड से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद ये फाइट यहीं पर एंड हो जाती है और विनर होता है सुओ और वो जाते हुए कानुमा को थोड़ी बहुत सलाह भी दे देता है यानी कि फ्री की एडवाइस। और जब सुओ स्टेज से नीचे आ रहा होता है तभी नीरे उसके पास पहुंच जाता है और ये पूछता है कि ये फाइटिंग स्टाइल कौन सा था। सुओ कहता है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, मुझे सिखाने वाले एक सेल्फ मेड फाइटर थे तो मुझे इसका नाम नहीं पता। और नीरे ये सारी बातें अपनी डायरी के अंदर नोट कर रहा होता है और यहाँ पर साकुरा सुओ से लड़ने के लिए बहाने बना रहा होता है और सुओ ये कहता है कि तुम मेरे लिए एक सर दर्द हो तो मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा और तुम जानते हो कि तुमने पिछली बार मुझे बेवकूफ कहा था। और ये सुनकर साकुरा हंसता है, तुम्हें ये बात याद है। और उमिमिया इन सभी को देखकर काफी खुश हो रहा होता है और ये कहता है कि ये सारे एक अच्छी टीम बनने वाले हैं। और फिर हम कानुमा को देखते हैं जो कि आरिमा को लेकर साइड जा रहा होता है और यहाँ पर आरिमा को होश आ जाता है और वो ये पूछता है क्या तुम भी इस फाइट को हार गए हो। पर फिर हम जो को देखते हैं जो कि ये पूछता है कि अगली फाइट किसकी होने वाली है। और तभी साकुरा खड़ा होता है पर तभी लायन हेड से एक बंदा खड़ा होता है और वो हिरागी की तरफ इशारा करता है। हिरागी कहता है कि तुम बैठो मैं लड़ने जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद साकुरा गुस्सा करने लगता है, अबे यार मैं कितना वेट करूँ, मुझे लड़ना है। और यहाँ पर हिरागी उसी बताता है कि तुम्हारी फाइट जो के साथ होने वाली है तो थोड़ा वेट करो। और ये बोलने के बाद हिरागी स्टेज पर जाने लगता है और साकुरा बैठ जाता है। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं अपनी फाइट जरूर जीतूंगा। और जिस बंदे के साथ हिरागी की फाइट हो रही होती है उसका नाम होता है साको और वो भी स्टेज पर जा रहा होता है। और तभी जो उससे ये पूछता है कि तुम इस फाइट के लिए इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी 1v1 करते हुए नहीं देखा। पर साको उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। और जैसे ये दोनों स्टेज पर पहुंच जाते हैं तभी हिरागी उससे ये बोलता है कि हम दोनों काफी टाइम बाद मिले हैं लेकिन आज मैं तुम्हें हराने वाला हूं। और इसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और यहां पर हिरागी साको के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और उससे बच रहा होता है। लेकिन भाई इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सारे के सारे लोग इन्हें देखकर चौंक रहे होते हैं। सुनो हिरागी, तुम मुझे हमेशा से कमजोर समझते थे लेकिन आज मैं तुमसे जीतने वाला हूँ। और ये बोलते ही वो दोबारा से हिरागी पर बरसना शुरू हो जाता है। और लैंड हेड के सारे मेंबर्स इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस फाइट में काफी मजा आ रहा होता है। जो ये कहता है कि मैंने साको को ऐसे लड़ते हुए पहली बार देखा है, ये बंदा तो काफी स्ट्रांग है। चोजी कहता है कि ये बंदा मेरी 5 उंगलियों में से एक है तो इसका स्ट्रांग होना तो बनता है। और इसके बाद हम दोबारा से साको और हिरागी को देखते हैं जो कि लड़ते हुए बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि तुम जरा नहीं बदले। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि साको हिरागी के फेस पर एक जोरदार लात मारता है जिससे हिरागी पीछे जाकर गिरता है और सारे लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ हिरागी, तुम पहले से काफी कमजोर हो चुके हो। और ये सुनने के बाद साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है, अबे ओ भाई तेरी वजह से ये बंदा हमें कमजोर कह रहा है, फटाक से खड़ा हो जा और दिखा अपनी ताकत वरना मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास। लेकिन निरे उसे रोक लेता है और ये देखकर सुओ साकुरा से कहता है कि तुम अपनी टीम की काफी केयर करते हो। और ये सुनने के बाद साकुरा शर्मा जाता है और ये कहता है, अबे नहीं मैं बस गुस्से में हूँ। और इसके बाद हम दोबारा से हिरागी को देखते हैं जो कि खड़े होकर साको के कंधे पर हाथ रखता है। क्या बात है साको, ये किक काफी कमाल की थी। और ये बोलते ही वो साको के मुक्का मारने वाला होता है पर वो वहाँ से हट जाता है। और इसके बाद हिरागी अपने पेट दर्द की गोली निकालता है और उसे खाता है। तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुके हो साको, तुमसे लड़ने में काफी मजा आएगा। और यहाँ पर हमें एक पास्ट की झलक दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे बच्चे साको को परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर हिरागी आ जाता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं और सारे के सारे इन दोनों की फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होती है और ऐसी फाइट रोज रोज देखने को नहीं मिलती। साकुरा भी उन्हें देखकर ये सोचता है कि आखिरकार हिरागी इतना स्ट्रांग कैसे है। सुओ बताता है कि हिरागी 4 डेविल्स में से एक है तो उसका स्ट्रांग होना तो बनता है। और फिर हम चोजी को देखते हैं जो कि ये कहता है कि साको काफी स्ट्रांग है पर जो उसे ये कहता है कि साको कितना भी स्ट्रांग हो पर इस फाइट को हिरागी ही जीतने वाला है क्योंकि उसके पास एक एडवांटेज है और अभी से ही ऐसा लग रहा है कि हिरागी इस फाइट में जीतने वाला है। और इसके बाद हम दोबारा से उसी पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर हिरागी ने साको को अकेले ही इतने सारे बंदों से बचाया था यानी कि वो बचपन से ही काफी स्ट्रांग है।
और यहाँ पर हिरागी ही वो बंदा होता है जो कि साको को लड़ना सिखाता है। यानी कि ये दोनों गुरु और चेला हैं। और एक बार साको ने हिरागी से कहा था कि वो भी फ्यूरिन ज्वाइन करेगा जब हिरागी फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट बन जाएगा उस टाइम। पर हिरागी उसे मना करता है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद ओमिमिया के अंडर काम करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा टॉप स्टूडेंट बनना इम्पॉसिबल है। और ये कहने के बाद हिरागी यहाँ से चला जाता है और ये बात साको को काफी बुरी लगती है। और तभी से वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो काफी स्ट्रांग बनेगा। और जब चोजी और जो उसके पास आते हैं और उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए ऑफर देते हैं पर साको उनसे ये पूछता है क्या तुम्हारी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत स्ट्रांग हो। वो दोनों ही कहते हैं कि हमारी टीम का मेन मोटिव ही पावर को रिप्रेजेंट करना है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हिरागी साको के एक जोरदार मुक्का मारने वाला होता है पर साको उससे बच जाता है और उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे से हमला करने ही वाला होता है पर तभी हिरागी उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद हिरागी उसके पंच को रोक लेता है और उससे माफी मांगता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। और ये बोलते ही वो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे साको उसे पकड़कर नीचे बैठ जाता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लायन हेड के किसी भी बंदे को इस बात पर यकीन नहीं होता कि साको हार चुका है और ये सारे हिरागी की बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा फ्यूरिन के टॉप 4 डेविल्स में से एक है और ये काफी स्ट्रांग भी है। और चोजी भी इस फाइट से काफी ज्यादा खुश होता है और वो ये कहता है तो चलो यार ये फाइट तो खत्म हुई और अब अगली फाइट किसकी है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हिरागी खुद ही साको को उठाकर साइड कर रहा होता है लेकिन तभी जो उसके पास आता है और साको की ड्रेस को उतारने ही वाला होता है पर हिरागी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और हिरागी यहाँ से जाने लगता है और ये कहता है कि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी कमजोर हो। और ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और ओमिमिया से ये पूछता है क्या तुम मुझसे उस लड़की के बारे में पता नहीं करोगे। ओमिमिया कहता है अरे हाँ यार पता कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, और जब तुम्हारा मन हो तुम मुझे बता सकते हो, तो अभी चिल करो और मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। और इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और ये बंदा अपने पास्ट को याद करता है और तभी उसे चोजी की आवाज आती है अबे ओए स्मार्टी अब तेरी बारी है फाइट करने की। अरे हाँ यार मैं बस कुछ सोच रहा था। और फिर जो आगे जाते हुए साकुरा से कहता है क्या तुम रेडी हो और साकुरा स्माइल करता है यानी कि ये बंदा भी लड़ने के लिए एकदम तैयार है। और जब साकुरा स्टेज पर जा रहा होता है तो ये सारे लोग उसे अलग अलग तरह की एडवाइस देते हैं, कोई कहता है कि जीत कर आना, कोई कहता है कि यार तुम मरना मत, और ओमिमिया उसे ये कहता है कि तुम उससे अच्छे से बात करना। और यहाँ पर इनके बात करने का मतलब होता है लात घूसे। और तभी हम ये देखते हैं कि साकुरा को काफी अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि ये एक नॉर्मल फाइट नहीं है, उसके सामने काफी स्ट्रांग बंदा खड़ा है जिसका नाम है जो। और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तभी जो उससे ये कहता है कि मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना नहीं चाहता, मुझे इस लड़ाई के अंदर मजे लेने हैं, तो थोड़ा आराम से। और ये सुनने के बाद साकुरा उसके ऊपर पंच करता है पर जो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है पर तभी साकुरा अपने पैर से उसके मुक्के को साइड कर देता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। और ये देखकर हिरागी सोच रहा होता है कि मैंने साकुरा की जितनी भी फाइट देखी है उससे एक बात तो साफ है कि ये बंदा एक स्किल्ड फाइटर है। साकुरा जो से कहता है कि तुम काफी तेज हो, जो कहता है अरे यार ये तो बस नमूना है, आगे देखते जाओ। और ये बोलने के बाद ये दोनों एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं और साकुरा उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। और ओमिमिया ये देखकर सोचता है कि ये फाइट बाकी फाइट से काफी अलग है। और इसके बाद जो दोबारा से साकुरा के ऊपर हमला करता है पर साकुरा उससे बच जाता है और उसके एक जोरदार किक जड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है जिससे जो के सर में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो ये कहता है कि तुम लड़ने में काफी माहिर हो। और ये बोलते ही वो साकुरा को सीधा जमीन में पटक देता है और वो उसके ऊपर अपने पैरों से हमले कर रहा होता है पर साकुरा उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। और फिर साकुरा उसे पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है पर ये अटैक रिवर्स हो जाता है यानी कि जो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि साकुरा की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये देखकर चोजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है पर नीरे घबरा रहा होता है। और तभी जो साकुरा को उठा लेता है और ये कहता है क्यों भाई तेरा इतने में ही हो गया, तू तो मुझे उस दिन लेम कह रहा था, अब बता क्या बात है। साकुरा उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है पर साकुरा जैसे तैसे करके उसे छूटकर नीचे गिर जाता है। और वो उठते ही जो के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है जिसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से जो के ऊपर हमला करता है पर इस बार जो उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर नीरे सोचता है कि साकुरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। साकुरा बार बार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है और तभी वो उसकी चीन पर एक जोरदार किक मारता है जिससे जो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो साकुरा के पेट में एक जोरदार लात मारता है और साकुरा नीचे गिर जाता है। और वो उसके पास आकर उसके सर पर अपने पैरों से हमले करता है लेकिन साकुरा अब भी हार नहीं मानता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अपने ही दो मेंबर्स के पास जाता है और उनसे ये पूछता है कि आखिरकार तुम उस दिन वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो दोनों ये कहते हैं कि हमें वहाँ पर एक बंदा मिल गया था जिससे हम मजे लेना चाह रहे थे और ये
यह सुनने के बाद जो उन दोनों को काफी गंदे तरीके से मारता है और उनकी जैकेट्स भी निकाल लेता है। और चोजी पीछे से आवाज लगाता है, अभी ओ जो की बच्चे लड़ाई तो कर ले पहले। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर जो कुछ बंदों को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है, यानी कि उन सबका कुत्ता भर रहा होता है। और तभी यहां पर एंट्री होती है चोजी की, जो कि उसे देखकर ये बोलता है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो, एक काम करो तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। और इससे पहले जो को कुछ समझ आता, चोजी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और इसी तरह से ये दोनों मिलते हैं। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार इन दोनों में दोस्ती हुई कैसे थी। और यहां पर ये दोनों स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी वो उतना ज्यादा फ्री होगा। और इसके बाद ये सारे मिलकर एक दूसरी टीम को काफी गंदे तरीके से हराते हैं। और फिर हमें ये बताया जाता है कि जब चोजी अपनी टीम का लीडर नहीं था तो वो सबकी मदद किया करता था और काफी खुश भी रहता था, लेकिन जब से वो लीडर बना है तो उसे मजे आने बंद हो गए हैं। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी इनके पास भागकर शिशी तोरिन के तीन मेंबर्स आते हैं। और यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि चोजी उसी बंदे को मारता है जो कि दूसरे मेंबर से पिटकर आया होता है और उसकी जैकेट भी निकाल लेता है। आखिरकार तुम उससे पिटकर कैसे आए? और यहीं से ही चोजी का माइंड ऐसा हो जाता है कि उसके लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। और जो उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है पर चोजी उसे ही कहता है, अगर तुम्हें भी ये गलत लग रहा है तो तुम हमें छोड़कर जा सकते हो। और इसी दिन के बाद से जो भी अपना लुक चेंज कर लेता है। और इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहां पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं और साकुरा उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है, लेकिन यहां पर जो लड़ने में बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। और साकुरा भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि ये बंदा अब लड़ने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। साकुरा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और तभी जो चोजी की तरफ देखता है और ये कहता है, मुझे ये बात खुद भी समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार मैं करना क्या चाहता हूँ। यानी कि जो अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा टूट जाता है और उसका फाइट से भी इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, गुड बाय।